जो किया है उन्होंने कहा है कि हाँ यही होता है, ऐसा नहीं है सिर्फ यही होता है, नए लोगों को भी चांस मिलता है, थोड़ा मुश्किल होता है डेफिनेटली, उनको थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, अपनी जगह बनानी पड़ती है, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बट ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री में चांस नहीं मिलता, इंडस्ट्री में चांस जो मेहनत करता है डेफिनेटली मिलता है। और ये भी है जैसे पहला चांस नेपोटिज्म हम क्यों कहेंगे, जो पहला ब्रेक है, चलो एक्टर को पहला ब्रेक मिलता है, लेकिन उसके बाद आप आलिया भट्ट देख लो या टाइगर श्रॉफ देख लो, इन लोगों ने अपनी मेहनत पे आज अपना यू नो नाम बनाया है, पहला ब्रेक मिलता है लेकिन उसके बाद मेहनत के बिना कोई नहीं टिक सकता। देखो वो इस इंडस्ट्री में ज्यादा हमसे ज्यादा लंबा रह चुकी है, तो वो अपने एक्सपीरियंस से बात कर रही है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ, तो कोई भी सही या गलत नहीं हो सकता। मैं ये कहूँगी कि सब अपने एक्सपीरियंस से बात करते हैं, मैं उस पर नहीं कॉमेंट करूँगी कि वो सही थी या वो गलत थी, तो उनके अपने एक्सपीरियंस हैं, उन्होंने अपने हिसाब से किया। सुसाइड सिर्फ इस इंडस्ट्री में नहीं होता, सुसाइड हमारे आसपास भी बहुत होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडस्ट्री में ही होते हैं। आप फार्मर्स देख लो, कितने लोग सुसाइड करते हैं जिनके घर में खाना खाने को नहीं है या कोई डिप्रेस्ड है, नॉर्मल लोग भी बहुत सुसाइड करते हैं, ये बस इतना है कि क्योंकि हम लोग ज़्यादातर इंडस्ट्री को फॉलो करते हैं तो हमें लगता है कि इंडस्ट्री में बहुत सुसाइड हो रहे हैं, बट हाँ बहुत अनफॉर्चुनेट है, क्या पता लॉकडाउन में सिर्फ हमें इंडस्ट्री का पता है, लेकिन क्या पता इंडस्ट्री से ज़्यादा और जगहों पे भी सुसाइड हुए हों जो हमें नहीं पता, जिसके बारे में खबर नहीं बनी, जिसके बारे में लोग नहीं बात कर रहे, क्योंकि वो खबर बिकती नहीं, बिकती क्या है इंडस्ट्री की खबर, लोग वही दिखाएंगे। तो एक सिंपल सी चीज़ है, सुसाइड इज़ अ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग, तो एक सिंपल सी बात है, सुसाइड बहुत अनफॉर्चुनेट बात है, मतलब किसी को इस लेवल तक आ जाना कि वो सुसाइड करना चाहे बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। आई वुड जस्ट से कि हमें अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, कल को अगर हमें लगे कि कुछ नहीं बचा दुनिया में, हमें अपने घर वालों से, अपनी फैमिली से, इन सबसे सलाह करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, अपने दोस्तों से बात करनी चाहिए, आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीबडी फॉर दैट मैटर। तो कहानी तो बहुत आई है कि सुशांत के सुसाइड के बाद कितने और सुसाइड्स हो गए, होता है लोगों को स्ट्रेस होते हैं, प्रेशर्स होते हैं, कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम में होता है, कोई मेंटली प्रॉब्लम में होता है, कोई इमोशनली प्रॉब्लम में होता है, बट सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं होता, सब जगह होता है। हमारे लिए अल्टीमेटली ये है कि मेंटल हेल्थ का ख्याल रखो, अगर आपको लग रहा है आपको कोई परेशानी है उसके बारे में बात करो, और कोई आपसे बात भी करना चाहे उसकी बात सुनो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी लड़कियाँ छोटे शहर से आती हैं और बड़ा मुंबई में अपना नाम बनाना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, सबसे पहली चीज़ तो अपनी फैमिली को अपने पास रखो, सबसे ज़्यादा आपकी जो फैमिली है आपको कभी भी गलत राह पे नहीं जाने देगी, आपको कभी भी गलत सलाह नहीं देगी, हमेशा अपनी फैमिली और आपके जो चंद दोस्त जो स्कूल के फ्रेंड्स होंगे उनको अपने पास रखो, वो कभी भी आपको गलत रास्ते पे भटकने नहीं देंगे। आई थिंक यही मैंने किया है, तो मैं ठीक ही चल रही हूँ अभी तक। और अगर हम बात करें बाकी सब चीज़ों की, जैसे लोग आपको वहाँ बोलते हैं, प्रेशर करते हैं कि इसके ऐसे काम नहीं होता, इसके बिना काम नहीं होता, ये नहीं होता, ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लोगों से कैसे डील करते हो। अगर आप लोगों से उस तरह डील करोगे वो आपसे उस तरह बात करेंगे, अगर आप लोगों से प्रोफेशनली डील करोगे, अपने हिसाब से बात करोगे, वो वैसे ही डील करेंगे। आई मीन ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने हमेशा लोगों को जो भी मेरे पास भी आता है, मेरे फैंस हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, मैं उनको भी यही कहती हूँ, एक सिंपल सी चीज़, ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ एंड नो दैट यू आर गुड इनफ, मेहनत करो, अच्छा काम करो, और अपनी फैमिली से कभी भी दूर मत जाओ, आप सब लोग सक्सेसफुल रहो। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।